इंटर एस हेलो फ्रेंड्स एनालिसिस बहुत बढ़िया लगा रहेगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो कल क्या डिस्कस किया था तो कल यही डिस्कस किया था कि 25,000 से 24,800, यानी कि पूरा का पूरा 200 पॉइंट्स मॉर्निंग में ही आ सकता है उसके बाद क्या होगा

जैसे डिस्कस किया था कि मॉर्निंग में ही एक बढ़िया मुँह आ सकती है जो बट ऑब्वियसली हमको 24,800 के पास लेके जा सकती है तो ये रहा हमारा 25 के एंड ये रहा हमारा 24,800. दैट वाज अ फंटेस्टिक और एक लॉलीपॉप मुँह था मैं कहूंगा लॉलीपॉप मूह इसके लिए क्योंकि बहुत आसान था कैच करने के लिए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लॉलीपॉप मूव का कंसेप्ट पता था कि ये तो बहुत सिंपल है यार ये तो होने ही वाला है ऐसे अगर आपको पता रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके लिखना कि आई नो या मुझे समझ में आ रहा है ये सब और उसके बाद का जो एनालिसिस है अब ये देखो साइडवेज मार्केट बट जो बड़ा मुँह था वो बट ऑब्वियसली दोपहर को इतना ज़्यादा नहीं आया तो बहुत डबल टिबल हम हीरो जीरो में नहीं कमा पाए बट एट द सेम टाइम लॉस भी नहीं हुआ जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा था बट अब कल फ्राइडे है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल भी धमाका होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको एक चिंता रहेगी कि सर ये सब तो ठीक है ये मार्केट कहाँ तक नीचे जाने वाला है क्या ये मार्केट और गिर के बीस हजार आने वाला है मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सब बर्बाद हो जाएगा ऐसा होगा वैसा होगा तो यहाँ पे सबसे पहली कंसर्न मुझे पता है आप लोगों को रहेगी कि मार्केट का आपका लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल क्या वैसे ही जैसे आज आपने अच्छा खासा एनालिसिस किया तो कल का प्लीज़ हमें एनालिसिस बता दो क्योंकि आज नहीं चलो आज किस किस अगर हमने मिस किया है तो कल डेफिनेटली अच्छा मूव कैच कर सकते हैं तो ये सभी चीज़ बताऊंगा बट सबसे पहले मेरा नाम जान लो क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग नए ज्वाइंट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है जिसे आप क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो मेरा नाम तुषार घोने है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनलिस्ट हूं यहां पे मैं कुछ भी टिप्स नहीं दे रहा हूं मैं जनरल ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट एक्सप्लेन कर रहा हूं अब बिफोर गोइंग इन टू ऑल दिस थिंग्स थोड़ा सा देखते हैं कि आज दिन भर में हमने क्या किया तो दिन भर में अगर आप देखोगे फंटास्टिक एनालिसिस किया ये देखो निफ्टी का 35 पॉइंट्स का मीन्स जो निफ्टी का जो 101 पॉइंट्स का मूव जो मॉर्निंग को ही था ये यहां पे कैप्चर किया था अब इसके बाद में कुछ आ, नहीं चला बैंक निफ्टी का तो हार्डली 35 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में ये हो गया ये छोड़ के और दो तीन ट्रेड्स भी थे बट आ, ये दो ट्रेड्स हमने यहाँ पे दिखाए हैं बट ओवरऑल इट वाज अ फंटास्टिक डे आपको भी पता है अब यहां पे एक है फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे सलूनी जी अदानी विल्मर, स्रोय टी सी और गेम स्टार रेमेंट्स का एनालिसिस करने को मुझसे पूछ रहे हैं आप चाहते हो कि अगर मैं आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना कि आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस करना है हमारी टीम कमेंट सेशन से पर पकड़ के यहां पे डाल देगी और मैं आपके स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस डेफिनेटली करूंगा आइए देखते हैं कुछ टॉप न्यूज के बी एस सी ग्लोबल प्लान टू रेज हंड्रेड करोड थ्रू इक्विटी शेयर टू रिड्यूस डेथ अच्छा है अनसर्टिनिटी ओवर चाइनाज इकोनॉमिक प्लान की मेटल स्टॉक्स वोलेटाइल विथ अ रैली डिपेंडिंग ऑन क्लियर गवर्नमेंट एक्शन तो आप देखोगे मेटल स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे हैं बहुत नीचे जा रहे हैं केमिकल स्टॉक्स का भी सही हो रहा है। H D F C A M स्टॉक्स जंप सिक्स परसेंट क्रॉसिंग रुपीस वन लाख करोड़ मार्केट कैपिटल आफ्टर स्ट्रॉंग क्यूटू रिजल्ट्स एंड इंप्रूव्ड यर्स। तो यस बहुत अच्छा है। H D F C A M C। अब हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। हमारा बस और बस एक ही व्हाट्सएप का नंबर है नाइन वन फाइ यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं हम ना ही प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं ना ही पोर्टफोलियो हैंडलिंग करते हैं हम बस आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं अब आते हैं काम के चीज़ पे कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है तो जिस हिसाब से वीकली चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है बट ऑब्वियसली एक है कि ये जो मार्केट है वो कहीं तो भी चौबीस हज़ार 200 के आसपास लोवेस्ट जा सकता है ओके निफ्टी का चार्ट 24,200 जाएगा तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ये वर्स्ट बोल रहा हूं वापस एक बार जाएगा ही ऐसे नहीं बोल रहा हूं वर्स्ट कम वर्स्ट 24,200 और अगर समझो मींस और थोड़ा सा वॉर का भी इसमें आ गया तो 24 के तक जा सकता है बट बिल्कुल भी टेंशन मत लेना क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है ये क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलता है तो हम ये ये जोन में है फिलहाल हम ये जोन में हैं और ये कहाँ पे ख़त्म होगा तो ये ख़त्म होगा चौबीस या चौबीस तो सिंपल कंसोलिडेशन है कुछ भी बुरा चीज़ नहीं हुआ है मार्केट और नीचे गिरता जाएगा गिरता जाएगा बीस हज़ार उन्नीस हज़ार ऐसा कुछ भी नहीं है यह गलत है मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है लॉन्ग टर्म में और चौबीस हजार दो सौ या चौबीस हजार तक लोवेस्ट लोवेस्ट यानी कि वर्स्ट कम वर्स्ट यह आ सकता है आएगा ही मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं वर्स्ट कम वर्स्ट कह रहा हूं और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो चौबीस हज़ार चार सौ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है अब ये तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू पता चला अब हम देखेंगे डेली चार्ट्स पे कि डेली चार्ट में क्या लग रहा है यहां पे आप देखोगे ना तो यहां पे थोड़ा सा क्यों मैं कह रहा हूं कि आ, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा मीन्स ये देखो यहां पे सपोर्ट है ओके इसके लिए मैं कह रहा हूं कि 24,000 तक मार्केट वर्स्ट कम वर्स्ट जा सकता है बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना जल्दी नहीं आएगा ये इतना जल्दी नहीं आएगा इनफैक्ट आप देखोगे ना तो कल मार्केट कुछ अच्छा खासा रिवर्सल केस में रहेगा यानी कि कुछ डेली चार्ट में ऐसे कैंडल्स भी बनने के चांसेस है क्यों ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल ऑल मुझे जो चार्ट्स दिख रहे हैं जिस तरीके से सब दिख रहा है तो मुझे बुलिशनेस ही दिख रहा है मैं डेली चार्ट में मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूं मैंने कहा है वापस एक बार रिपीट करता हूं 24,000 से 24,200। वर्स्ट कम वर्स्ट मार्केट जाएगा क्या ये कल जाएगा एक हफ्ते के बाद जाएगा दो हफ्ते के बाद जाएगा चलो मैं कहता हूं तीन हफ्ते में जाएगा बट क्या कल बहुत जोर से नीचे गिरने वाला है मुझे थोड़ा सा डाउट है मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे ये जोन पे ये जो चौ ट्वेंटी फ़ोर थाउजेंड सेवन फिफ्टी का जोन है ना बहुत ज़्यादा पावर छुपा है जो हमें दिख नहीं रहा है बट एक्चुअली द पावर इज देयर यानी कि यहाँ पे पावरफुल बायर्स अभी भी बैठे हुए हैं ये जोन में 24,750 जिसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और मेरा ऐसा मानना है कि मैं अभी 15 मिनट्स में जो लेवल्स बताऊंगा उस हिसाब से आपको आराम से पता चलेगा कि ये जो छुपे हुए बायर्स है वो अभी भी है नहीं है कहाँ से आ, आएंगे नहीं आएंगे सब 15 मिनट्स चार्ट पे दिखेगा बट डेली में इतना ही दिखेगा कि 24,750 इज़ अ स्ट्रांग सपोर्ट अंडरस्टूड स्ट्रांग सपोर्ट है इतने जल्दी नहीं टूटने वाला तो देखते हैं वन बाय वन कि कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग सपोर्ट है नहीं है क्या हो सकता है वन बाय वन देखेंगे अब क्यों मैं कह रहा हूं कि स्ट्रांग सपोर्ट है तो अगर आप देखोगे ना ये सिंपल कंसेप्ट है थोड़ा सा ध्यान देना आ, कैसे ये वर्क होगा देखो ये 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 क्यों साइडवेज जा रहा है ओके okay. आप पचास हजार एक लाख के क्लासेस भी करोगे तो भी हाँ, वहां पे कोई नहीं सिखाएगा ये एक्चुअल एनालिसिस करके कोई भी नहीं बताएगा अब आप देखो अगर सपोर्ट ये सपोर्ट है ओके okay. अगर सपोर्ट वीक है तो स्ट्रेट अवे नीचे जाएगा कंसोलडेट होगा स्ट्रेट अवे नीचे जाएगा बट अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग है एंड एट द सेम टाइम सेलिंग भी पावरफुल हो रही है तो फिर क्या होगा ये सपोर्ट के आसपास अनडिसीजन होगा कहाँ दिख रहा है यहां पे दिख रहा है एट द सेम टाइम एक बार अटेम्प्ट होगा ऊपर जाने के लिए जो कि कल आपको दिखाई दे सकता है और जहां पे मैक्सिमम सेलर्स है जहां पे मैक्सिमम सेलर्स है पे पे है तो ये पॉइंट मैक्सिमम सेलर्स है वहां पे जाके वापस एक बार नीचे आने को देखेगा ओके? और अब के बार जब नीचे आएगा और ये अगर सपोर्ट वीक है या टूटने वाला है तो ये बड़ी रैली करेगा ध्यान देना बड़ी रैली करेगा बट अगर ये फेल हो गया और इधर तक ही आके वापस ऊपर जाने लगना तो सम, समझ लेना ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है ये इतने जल्दी नहीं टूटेगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि एक या दो हफ्ते मार्केट यहीं से ऊपर घूम के मे भी ऐसा हो सकता है कि यही उसका टर्निंग पॉइंट हो तो ये तो मैंने कंसेप्ट आपको दिखा दिया बट एक्चुअली इसमें अभी कैसा ये करे तो बहुत सिंपल है कल जिस तरीके से ये दिख रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट गैप अप होने वाला है कहां तक अब यहां पे एक मैं डिस्क्लेमर डालता हूं कि रात को कुछ इसराइल ईरान इनका वॉर नहीं होना चाहिए जैसे सब चल रहा है वैसे ही रहा तो थोड़ा सा ध्यान देना 24,870 तक गैप अप हो सकता है इसका मतलब क्या है 24,870 के आसपास कल अगर कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनी तो फिर ये जितनी रैली है उतनी रैली यहाँ तक बननी चाहिए यानी कि 24,600 जो आज का आज का मेरा था सेकेंड हाफ के लिए टारगेट ये कल मॉर्निंग तक होना चाहिए और उसके बाद मैं कहूँगा कि रैली स्लो डाउन होनी चाहिए क्योंकि नीचे 24,200 के आसपास तो सुपर सपोर्ट है जो तोड़ना बहुत मुश्किल है तो ये वन शॉट में नहीं जाएगा फिर वहां पे अच्छा खासा कंसोलिडेट होगा तो कल का हमारा एनालिसिस क्या कहता है 24,870 गैप अप, 15 मिनट्स में निफ्टी के अगर कुछ ऐसे रेड कैंडल बनती है और डायरेक्टली 24,600 मत करना पहला टारगेट क्या रहेगा 24,750। अब अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो यहाँ से वापस रिवर्स हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में इसके लिए ये टारगेट दे रहा हूँ सब कंसेप्ट को जो सिखाया था उस हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बार आप बोलोगे सर आप कभी ये नंबर बोलते हो आप वो नंबर बोलते हो बट ऐसा नहीं है यहाँ पे क्या है कि हर एक चीज़ का कुछ जस्टिफिकेशन है हर एक चीज़ का लॉजिक है अब क्यों मैं केस वन और केस टू बता रहा हूं क्योंकि एक हम सपोर्ट को डील कर रहे हैं सपोर्ट दो तरी हो सकता है एक तो सपोर्ट टूट सकता है या सपोर्ट होल्ड कर सकता है तो दोनों केस में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये सपोर्ट मेरे हिसाब से अभी भी स्ट्रांग है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि एज्यूम किया है कि गैप अप होगा क्यों मैंने एज्यूम किया गैप अप होगा क्योंकि ये जो रैली है ये नीचे के डायरेक्शन में है और यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंसोलिडेशन के बाद कुछ तो बुल्स बचे रहेंगे राइट जो गैप अप करेंगे बट क्योंकि ये रैली बहुत पावरफुल है नीचे के तरफ तो वापस नीचे आने के चांसेस है और 24,870 के आसपास अगर रेड कैंडल दिख दी दिखे जाए तो हम ये सपोर्ट पे रिस्क नहीं लेंगे हम पहला टारगेट 24,750 ही रखेंगे बट अगर लग रहा है कि बिल्कुल कुछ रिवर्सल के कैंडल्स नहीं बन रहे हैं लगातार रेड 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 कैंडल्स बनते जा रहे हैं तो फिर आप अपना सेकेंड टारगेट 24,600 बना सकते हैं तो होप एक एक चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है आपको समझ में भी आया रहेगा ये कब आपको समझेगा क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ ये बेसिक लेवल का नहीं सिखा रहा हूँ इसके पीछे आपको कैंडल स्टिक्स आना चाहिए ट्रेंड एनालिसिस आना चाहिए आ, अभी तो मैंने इंडिकेटर्स को हाथ भी नहीं लगाया है वे उसका कंसेप्ट कैसे रहता है वो आना चाहिए फिर जाके आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आएगा अगर आपको कुछ नहीं आता है और सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल से ही लेना देना है तो फिर ऐसे इसमें क्या होता है कि ब्लेन गेम ज्यादा चालू हो जाता है कि आपने कहा था आप हमेशा बंदर की तरह पलटी मारते हो यहाँ पे एक बोलते हो वहाँ पे वो एक बोलते हो मैं बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं बोलता हूँ हर एक चीज़ के कंसेप्ट है और हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी या केसेस है जैसे कि यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि सपोर्ट है दो केसेस है एक सपोर्ट फाट झट से टूट गया तो ट्वेंटी आ गया सपोर्ट नहीं टूटा ट्वेंटी से वापस ऊपर घूम गया हमें वहीं पे प्रॉफिट बुक करना है तो एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा तब जाके मैं लेवल्स क्या बता रहा हूं कैसे आपको ये करना है ये हिट मीन्स आप सक्सेसफुल हो सकते हो एंड बिलीव मी आर नॉट मोर और लेस जो भी लोग ये रेगुलरली देख रहे हैं मेनी पीपल आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली जो ये सब चीज़ ऑलरेडी हमसे सीख चुके हैं और फिर जाके यहाँ पे प्रैक्टिस 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 करने के लिए वो डेली एनालिसिस देखते हैं ओके बट इसका ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमारे साथ ही सीखो ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब तक आप ठीक तरीके से जो मैं समझाना चाहता हूँ बस नहीं समझ पा रहे हो और सिर्फ ये लेवल्स के बेसिस पे ट्राई कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और जब एक्चुअल ट्रेड करोगे विदाउट हमारे गाइडेंस के तो आ, हमेशा सर चकराना चालू हो जाएगा क्योंकि आप विदाउट कंसेप्ट के सिर्फ लेवल्स और फिगर्स याद रख रहे हो जो कि गलत है अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो फंटास्टिक मूव और बैंक निफ्टी का भी सेम कंसेप्ट है 51,400 51,400 वन थाउजेंड गैप अप, रेड कैंडल कहाँ तक जा सकता है यहां 51,000 तक जा सकता है अब यहां पे वापस दो चीज है 51,400 से पहला टारगेट है 51,200। अगर सपोर्ट वीक रहा 51 के या इससे भी नीचे जाएगा अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो वापस ऊपर जाने के चांसेस है बट 51,400 को गैप अप होने के पूरे चांसेस है उसके बाद में क्या तो अगर रेड कैंडल दिखा तो 51,200 तक पुट खरीदो और अगर वहां से और तेज़ी से जा रहा है तो ही 51 के तक रखना अगर साइडवेज जाने लगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है रिवर्स होगा तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना तो ये सिंपल एनालिसिस है जितना मुझे समझ में आ रहा है मैंने बता दिया आ, और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर ऊपर और ऊपर जाएगा बट जिस हिसाब से ये पूरा पैटर्न बना है मुझे नहीं लगता है मार्केट अब भी तैयार है कि पूरा ऐसे ऊपर जाने के लिए नहीं मार्केट ऐसे जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है जब यहाँ पे कुछ अच्छे खासे पैटर्न्स बनेंगे ऊपर जाने वाले तब मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगा कि अब आप ऊपर के बारे में सोचो फिलहाल अगर आप देखोगे मैं नीचे के बारे में ही आपको सोचने को लगा रहा हूं और क्यों कह रहा हूं कि गैप अप होगा उसके बाद रेड कैंडल होगा क्योंकि जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है वो डाउन ट्रेंड है अब यहां तक अगर आपको मज़ा आया रहेगा तो एक बार तो भी लिख देना कि लविंग इट या लाइक like इट या मज़ा आ रहा है तो क्या होगा कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको सिखाने के लिए अब आइए देखते हैं ये जो स्टॉक्स बोले हैं उनका एनालिसिस करते हैं अदानी विलमर एक महीने पहले भी कहा था कि ये तीन महीने तक कंसोलिडेशन करेगा आप ट्रेंड नहीं आएगा क्योंकि साइड ट्रेंड चल रहा है तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ आप खुद देख लो और मेरा पिछला एनालिसिस एक दो महीने पहले का भी देख लो तो 90 परसेंट वही होता है जो हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कंसेप्ट है और नाइन्टी मार्केट कंसेप्ट को फॉलो करता है टी Uh, यहाँ पे अगर आप देखोगे टी सी एस अप ट्रेंड में ही है बट टी सी एस के अप ट्रेंड से आप कोई और अच्छे आई टी स्टॉक्स देखो जहाँ पे और पावरफुल आपको दिख सकता है अप ट्रेंड तो टी सी एस कहाँ पर रिवर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 4000 से 4000 के आसपास कंसोलिडेशन ख़त्म होके वापस अप ट्रेंड चालू हो सकता है बट पी ओवरऑल सभी आईटी स्टॉक्स आप ट्रेंड में ही है आप टेक महिंद्रा देख लो एच टेक टेक देख लो फैंटास्टिक अप ट्रेंड में चल रहे रेमेंट्स अप ट्रेंड में ही है इनफैक्ट रेमेंट प्रॉपर्टीज बहुत ये कर रही है और अगर वीकली में ऐसे क्लोजिंग हो गई ओके okay, ये वीकली चार्ट है कुछ इस तरीके से क्लोजिंग हो गई तो पकड़ लो कि फिर धीरे धीरे ये ऊपर जाना चालू हो जाएगा तो रेमेंट्स एक अच्छा स्टॉक बन सकता है कौन से 1800 के ऊपर <coughs> तो होप आपको एनालिसिस पसंद आ रहेगा चैनल को सब्सक्राइब बेल बटन को हिट करना मत भूलना कल एक्सपायरी है मॉर्निंग को वापस एक जबरदस्त मुंह आ सकती है तो कल भी हम देखेंगे कैसे क्या होता है थैंक्स अलॉट